नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मां गंगा में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं। बता दें, गंगा एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें प्रयागराज की, तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग ही छटा इस मौके पर देखने को मिल रही है। ब्रह्मा मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के यहां आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालुओं ने मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मान्यता के अनुसार दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति के दिन यानी आज किया जाता है। आज के दिन तिल, खिचड़ी, गुड़, वस्त्र और क्षमता अनुसार मुद्रा का दान का विशेष महत्व है। बता दें, पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज से है, वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर से है। पहली तस्वीर आप प्रयागराज से देख सकते हैं। लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीर कानपुर से देख सकते हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बता दें, 2 दिन मनाया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से उपेंद्र हमसे जुड़ेंगे। उपेंद्र, मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, आप कानपुर में मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी मेरे, जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो देखा है तो हर साल 50 मतलब पूर्वजों के जमाने से चला आ रहा है। मकर संक्रांति मलमास के महीने के बाद अगर देखा जाए तो ये जो शुभ संकेत आते हैं मकर संक्रांति, और इसमें स्नान, गंगा में स्नान करने से जो पाप जो है वो धुल जाते हैं और रात के बाद जो है शुभ संकेत जो है हिंदू धर्म में चालू रहता है। जी उपेंद्र, श्रद्धालु कितनी संख्या में पहुंचे हुए हैं, कैसा उत्साह देखने को मिला श्रद्धालुओं में? 2-4 लाख जो श्रद्धालु है वो लगातार जो है मकर संक्रांति गंगा स्नान करने भ्रमण में आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है कि 2-3 जो आसपास के जो जिले हैं वहाँ के लोग भी कानपुर में गंगा का स्नान करने आ रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो मकर संक्रांति 2 दिन पड़ी है तो कुछ श्रद्धालु जो है वो आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, कल कुछ मना रहे हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो भीड़ तो काफी है। जी उपेंद्र, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या कोविड के लिए भी कोई प्रोटोकॉल जारी किया गया है? जी, अगर देखा जाए तो जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो कानपुर कमिश्नर जो बीपी जोगदंड है, ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी है, वो लोग साफ साफ जो है पुलिस व्यवस्था जो चाक चौबंद और जलकल विभाग जो जल पुलिस है वो भी पूरी तरीके से जो स्टीमर में देखा जाए तो पूरी तरीके से निगाही रखी हुई है कि किसी प्रकार श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए सामने। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कहीं ना कहीं कोविड का खतरा है, तो क्या श्रद्धालुओं में कुछ कमी आई है या वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है? बात रही कोविड की और बात रही ठंड की, उसको देखते हुए आपने इग्नोर करते हुए चला रहा है। और कहीं ना कहीं देखा है तो हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है लोगों के साथ, वो चाहे कोहरा पड़ा चाहे कुछ भी करा, पर आदमी जो स्नान के लिए वो जो उनको आना है वो लोग आ रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जी धन्यवाद उपेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। बता दें, इस पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। माँ गंगा में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं। बता दें, गंगा में एक साथ लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। जानकारी के मुताबिक इस बार मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें प्रयागराज की, तो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग ही छटा इस मौके पर देखने को मिल रही है। ब्रह्मा मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु ने मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मान्यता के अनुसार दान पुण्य का महापर्व मकर संक्रांति के दिन यानी आज किया जाता है। आज के दिन तिल, खिचड़ी, गुड़, वस्त्र और क्षमता अनुसार मुद्रा का दान करने का विशेष महत्व है।
पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें, मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें, दो दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से पवन हमसे जुड़ेंगे। पवन, मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते नजर आ रहे हैं, आप प्रयागराज में मौजूद हैं, कैसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? जी मेरी, आज इस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी कही जाती है। ऐसे में प्रयागराज में माघ मेले का दौर चल रहा है। बीते 6 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत हो गई है। अगर बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की, तो आज मकर संक्रांति का दूसरा स्नान पर्व है और ऐसे में देर रात से ही लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना आदि सरस्वती के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस के साथ एटीएस कमांडो लगाए गए हैं, पुलिस की तैनाती की गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं का आने जाने के लिए सुगम यातायात की व्यवस्था की गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े कमर्शियल वाहनों को 90 में रोक दिया गया है। तो तस्वीरें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब उभरा हुआ है। जी मयूरी जी, पवन, देखा जाए तो एक तरफ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है और कहीं ना कहीं कोविड का खतरा भी है, तो क्या श्रद्धालुओं में कुछ कमी आई है या वैसा ही उत्साह देखने को मिल रहा है? चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, मेले में कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और वहां पर लोग स्कैनिंग की जा रही है और कोविड को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। हालांकि बात की जाए लोगों की, तो धर्म आस्था और अध्यात्म की नगरी को लेकर लोगों में कहीं भी उत्साह कम नजर नहीं आ रहा है। बीती देर रात से ही जो श्रद्धालुओं का लगातार आगमन है वो संगम तट पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार लाखों लोग गंगा यमुना आदि सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ेगी। हालांकि अगर बात की जाए अभी तक, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक लगभग 5 लाख लोग गंगा यमुना आदि सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जी मयूरी जी, धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। आप सभी को प्राइम टीवी की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।